अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे प्रेस कर दीजिए, सो दैट जैसे ही हमारे न्यू वीडियोस चैनल पे अपलोड हो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच जाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से लेकर सेक्टर 84 CPR सेंट्रल पेरिफेरियल रोड तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको CPR लेके चलूँगा, सेंट्रल पेरिफेरियल रोड, और CPR के बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। इस इमेज में जो आप रेड एरोज़ देख रहे हैं वो CPR है, जो येलो एरो आप देख रहे हैं वो NH 48 यानी कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे का वो सर्विस लेन है, और वहाँ से हम ग्रीन एरो की तरफ मुड़ जाएंगे जो कि खेड़की धौला विलेज से होते हुए हम वापस सेक्टर 84 की तरफ जाएंगे। ये जो ग्रीन एरो है ये पुराने द्वारका एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को डिनोट करती है, और ये जो ब्लैक बॉक्स आप देख रहे हैं ये गुड़गांव के लिए काला धब्बा है जो कि खेड़की धौला टोल है, जिसे हटाने में सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट नाकामयाब रही है। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ सेंट्रल पेरिफेरियल रोड, ये सेक्टर 84 और द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन है जहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे सेंट्रल पेरिफेरियल रोड जाने के लिए, और हमारे राइट हैंड साइड पे ये सारे सेक्टर्स हैं, और अगर हम यहाँ से स्ट्रेट चले जाते हैं तो खेड़की धौला टोल के तरफ NH 8 पे पहुँचेंगे। यहाँ से CPR शुरू होता है। इस जगह पे हम ये सोचे थे कि यहाँ से आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता भी बना नहीं है और ये कच्चा रास्ता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कुछ वाटर पाइपलाइंस पड़े हुए हैं, आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये वाटर पाइपलाइंस को एक्चुअली में डाला जा रहा है। ये सेक्टर 36A है और इसे सीही विलेज भी बोला जाता है। पहली बार है कि ऐसा कोई CPR का वीडियो YouTube या इंटरनेट में डाला जा रहा है, अभी तक मोस्टली किसी ने CPR का रूट ऑनलाइन शेयर किया नहीं है। पूरे CPR में लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे आपको ब्लू पिलर्स दिखेंगे जो इस CPR का विड्थ बताती है, जिसको NHAI ने या आप यूँ कह लीजिए कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इसका डिमार्केशन किया हुआ है। यहाँ राइट हैंड साइड पे आप एक डिमार्केशन पिलर देख सकते हैं। ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, चाहे आप अकेले जाए या कार से जाए या बाइक से जाए, तो प्लीज़ अभी इस टाइम पे एक तो बारिश का मौसम है तो आप इस रोड को CPR को प्लीज़ कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। यहाँ पे एक JCB मशीन आपको मड फिलिंग का काम करते हुए नज़र आएगी, हमने इनसे भी बात करा और ये जानने की कोशिश की कि ये कर क्या रहे हैं। बन क्या रहा है भैया यहाँ पे? नाला नहीं बन रहा। क्या बन रहा है? लाइन पड़ रही है, पानी की लाइन पड़ रही है। पानी की लाइन पड़ रही है ना? किस कौन डलवा रहा है ये? हुडा या कौन? हुडा डलवा रही है भाई। CPR है, मैंने बोला ना। कहाँ तक जाना है ये? बिजली के तार के साथ साथ जाना है? ये इधर जाएगी, जो अपना जो हाईवे है ना। हाँ, जयपुर वाला। हाँ, NH 8। आप कहाँ से बनाते हुए आ रहे हो? मैं तो यहाँ से बनाया। अच्छा, ये बिजली का खम्बा के साथ ना, ये वाला? तो ये इस उधर तक हो गया पूरा? उधर से कनेक्ट होके आ गया इधर? अच्छा, नहीं हुआ, वो करना है। और ये कब तक बना दोगे आप? ये तो आपको तक सब गड्ढा गड्ढा करना है ना। नहीं तो मैं तो खुदाई कर रहा हूँ। तो पाइप इधर तक डल गया? वहाँ तक पड़ा है उधर, वो रोड से लेके यहाँ तक, रोड तक वहाँ जो यहाँ पाइप रखा है ना। हाँ हाँ, वहाँ तक पाइप पड़ा है। अच्छा, उसके आगे नहीं भी। तो अच्छा, वो ये कब तक पड़ जाएगा? एक महीना, दो महीना लग जाएगा। गड्ढा खोदने में या पाइप डाल के? दो महीना लग जाएगा। पाइप डालते हुए दो महीना? गड्ढा खोलते ही सीधे पाइप डाल देते होंगे ना? हाँ जी, पाइप डाल के बंद कर देते होंगे। नहीं, पाइप डाल के बिल्डिंग
वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग होकर सील करते होंगे, कोटिंग होती है, उसके बाद सील। अच्छा, सीलिंग होती है। ठीक है भैया, सीलिंग भी आपने ही करनी होती होगी। हाँ, तो इधर तक हो गया, मतलब यहाँ तक। अच्छा अच्छा, फिलिंग कर रहे हो? पाइप डल गई है यहाँ पे? कहाँ तक डल गई है? बहुत बढ़िया भैया, ठीक है, थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका? लवकुश। ठीक है भैया, थैंक यू। यहाँ पे आपको ब्लू पिलर एक दिखेगा जो कि डीमार्केशन स्टोन है। यहाँ पे आपको दो ब्लू पिलर्स दिखेंगे, एक लेफ्ट में और एक बिल्कुल करीब हमारे। उसके बीच में आपको एक हाई टेंशन टावर भी दिखेगा। तो ये दोनों अलाइनमेंट के बीच में यहाँ पे हाई टेंशन वायर आ रहा है, और ये जो गड्ढा करा हुआ जगह है ये एक्चुअली में वहाँ पे रोड है, सेंट्रल पेरिफेरियल रोड का अलाइनमेंट वो है। अब यहाँ से हम जैसे जैसे आगे जाते हैं आपको काफ़ी सारे ब्लू पिलर्स दिखेंगे जो अलाइनमेंट के लिए डिमार्केशन है, और इस रास्ते से प्लीज़ आप मत जाइएगा, रास्ता सही नहीं है। जिस सेक्शन में आपने जेसीबी मशीन को काम करते हुए देखा था अभी कुछ देर पहले, उस सेक्शन से लेके जो टी पॉइंट है सेंट्रल पेरिफेरियल रोड का, जब वो NH 48 से जाके मिलेगी, उस पॉइंट से थोड़े पहले तक ये एक नॉन एलिवेटेड रोड है पैकेज 4 का। पैकेज 4 8.8 किलोमीटर्स का है टोटल। सेक्टर 36A विलेज खांडसा आता है, और ये AVL 36 गुड़गांव का प्रोजेक्ट है जो आपको सामने दिख रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लू डिमार्केशन पिलर है वो टावर के बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये सेकंड हाई टेंशन टावर है जो यहाँ से हटना है। अब यहाँ से शुरू होता है हाई टेंशन टावर्स का मायाजाल।
यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ब्लू डिमार्केशन पिलर दिखेगा। नेक्स्ट हाई टेंशन टावर भी अलाइनमेंट के अंदर आता है, यानी कि थर्ड हाई टेंशन टावर है जो अलाइनमेंट के अंदर है। जो नंबर ऑफ हाई टेंशन टावर्स मैं यहाँ पे काउंट कर पाया वो तकरीबन 14 के करीब है सीपीआर के साइड। और क्योंकि हाई टेंशन वायर्स को अगर यहाँ से अंडरग्राउंड करना है तो एसपीआर के साइड के भी हाई टेंशन टावर्स को अंडरग्राउंड करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये राइट हैंड साइड में भी एक स्ट्रक्चर है जो एक्वायर होना है, तो उसका एक्विजिशन एनएचएआई कर रही है। ये हाई टेंशन टावर्स जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट को हटाना है यहाँ से, और इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। और आई एम डेड श्योर कि जिस तरीके से हाई टेंशन वायर्स ये दिल्ली तक कनेक्टिविटी देती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और पूरे गुड़गांव में करती है, तो इसको हटाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो अभी से इसको हटाने के लिए काम शुरू कर दे, नहीं तो इसका हाल भी इफ्को चौक के फ्लाईओवर और अंडरपास के जैसा हो जाएगा, जो सालों साल लटकी रह जाएगी। ये अब हम NH8 के डेड एंड पे आ गए हैं, जहाँ पे हम NH48 के सर्विस लेन पे मिलेंगे। और यहाँ कहीं से ही एलिवेटेड क्लोवर लीफ फ्लाईओवर जो भी बन रहा है और जो CPR से जाके कनेक्ट होगा वो इसी स्ट्रेच पे बनना है। और यहाँ से अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट चले जाते हैं तो SPR आ जाएगा, सदर्न पेरिफेरियल रोड आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माया जाल बिछा है हाई टेंशन टावर्स का यहाँ पे। सिर्फ ये 14 नहीं, मेरे हिसाब से ये 16-17 भी हो सकते हैं। किसी दिन आके मैं काउंट ज़रूर करना चाहूँगा इसे सही तरीके से। ये वो स्ट्रक्चर है जो अलाइनमेंट में आ रहा है CPR के, और इसका एक्विजिशन NHAI कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू। इस रास्ते को लेकर हम खेड़की धौला टोल की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता सर्विस लेन पे निकलेगा NH48 के, गुड़गांव जयपुर एक्सप्रेसवे के। ये हाई टेंशन टावर्स क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के अलाइनमेंट में आ रहा है जो NH48 पे बनेगी, जिसके थ्रू CPR और SPR कनेक्ट होगा। आप यहाँ सदर्न पेरिफेरियल रोड का बोर्ड देख सकते हैं जो रोड के उस तरफ है, और यहाँ आपको हरियाणा सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये हम NH48 के सर्विस लेन पे पहुंच गए हैं CPR को लेते हुए, और अब हम खेड़की धौला टोल के तरफ जाएंगे और वहां से जो पुराना अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का उसको क्रॉस करके वापस सेक्टर 84 की तरफ जाएंगे। और बिल्कुल सामने आपको खेड़की धौला टोल दिख रहा है। ये वो खेड़की धौला टोल है जो गुड़गांव के लिए काला धब्बा है, और जिसको 14 अगस्त 2017 में श्री नितिन गडकरी जी ने गुड़गांव आकर जो सम्मेलन किया था उसमें ये कहा था कि ये 3 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कि 15 दिन के अंदर अंदर लैंड एलोकेट कर दिया जाएगा NHAI को ये टोल को हटाने के लिए। आज 1 साल से ऊपर हो गया है लेकिन ये टोल हटने का नाम नहीं ले रही है, ना ही कोई इसकी समय सीमा है कब ये टोल हटेगा। और तो और जो पुराना अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का जो कनेक्टेड है आज के डेट पे NH48 के सर्विस लेन के साथ, वहाँ पे भी दीवार खड़ी कर दी गई है सो डेट ट्रैफिक इधर से उधर मूव ना कर सके। और फोर्सफुली लोगों को ये मिट्टी वाला रास्ता, कीचड़ वाला रास्ता जो कि बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है, वहाँ से होके जाना पड़ता है। यहाँ पे हरियाणा सरकार ने 31 गाँव के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए तो टोल को फ्री कर दिया है, बट यहाँ के जो होम वायर्स हैं, रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने सोसाइटीज़ में घर खरीदा है, EDC IDC पे किया है, सर्विस टैक्स पे किया है, उनके लिए टोल फ्री नहीं है।
उनको दिन का 130 रुपया देना पड़ता है आने जाने के लिए। ये रास्ता भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी है, कीचड़ है, आपकी गाड़ी यहाँ फंस सकती है, तो आप ये रास्ता फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए यूज़ ना करें। यहाँ पे ये आप बोर्ड देख सकते हैं ओल्ड द्वारका एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में, अभी हम NH 48 को फेस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे दिल्ली जाने का रास्ता है और इफ्को चौक जाने का रास्ता है, बिल्कुल टी पॉइंट पे NH 48 है, यानी कि NH 8 है। राइट हैंड साइड पे सेक्टर 82 आता है, 83 आता है, जहाँ पे वाटिका इंडिया नेक्स्ट और काफ़ी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। और अगर यहाँ से राइट जाते हैं तो KMP या जयपुर जा सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ से ना लेफ़्ट जाने का रास्ता है ना राइट जाने का रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे दीवार खड़ी है और वो दीवार जो है वो न्यू गुड़गांव के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी दीवार है। ये सामने खेड़की धौला टोल है जहाँ पे लोग घंटों फंसे रहते हैं। मैं हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे अधिकारी और सारे मंत्रीगण से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार तो आइए आप खेड़की धौला टोल पे, एक बार फंस के तो देखिए घंटों आप खेड़की धौला टोल पे, खुशी के मारे आपके आंखों से खुशी के आंसू निकल जाएंगे। यहाँ के रेसिडेंट्स ऐसे खुशी के आंसू रोज़ निकालते हैं घंटों जाम में फंसने के बाद। अब यहाँ से हम वापस पुराने द्वारका एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में आ गए हैं और हम पटौदी रोड के तरफ फेस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सेक्टर 82, 83, 84 ये सारा कुछ आएगा और राइट हैंड साइड में सीही विलेज है और एग्जैक्टली हम जहाँ पे खड़े हैं वो खेड़की विलेज है। यहाँ का भी जो लैंड एक्विजिशन है वो कम्प्लीट नहीं हुआ है। हुडा को जो भी यहाँ पर आउटसीज को यहाँ से रिलोकेट करना था 37C में, वो अभी तक नहीं हो पाया है। तकरीबन 25 के करीब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हटाना है रोड को कंप्लीट करने के लिए, वो नहीं हो पाया है। काफ़ी अलग अलग डेडलाइंस मिलते रहे हैं हुडा से, हरियाणा सरकार से, इस रोड को अलाइन करने के लिए, लेकिन आज तक वो सही तरीके से काम नहीं कर पाई है। भगवान ही मालिक है कि ये रोड यहाँ से कब बनेगा। अगर आप न्यू गुड़गांव में देखेंगे तो आपको कई जगह ऐसे नज़ारे दिखेंगे जहाँ पे नालों को कंप्लीट नहीं किया गया है, सीवेज सिस्टम को नहीं बनाया गया है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पूरी नहीं की गई है, रोड नहीं बनाया गया है, टूटे फूटे रोड हैं, गड्ढे हैं, मिट्टी है रोड के जगह, पगडंडियाँ हैं रोड के जगह, पानी का पाइपलाइन नहीं बिछ पाया है पूरा, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। ये नज़ारा बहुत कॉमन है न्यू गुड़गांव में। ये सामने जो आपको एरिया दिख रहा है ये सेक्टर 83 है। यहाँ के प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको अब बताता हूँ। हमारे ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे MR पाम गार्डन्स है सेक्टर 83 में। यहाँ पे जो सबसे बड़ा टाउनशिप है वो है वाटिका इंडिया नेक्स्ट का, जो कि सेक्टर 82, 83, 84 और 85 में है। इसके अलावा जो सेक्टर 82 में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो है मैप्सको कासाबेला, वाटिका 7 लैम्प्स, यूनिवर्सल ऑरा, DLF प्राइमर्स गार्डन सिटी, मैप्सको रॉयल विले। इसके बाद सेक्टर 82A आता है जहाँ पे वाटिका ट्रैंक्विल हाइट्स है, वाटिका सोवरेन नेक्स्ट है। सेक्टर 83 की अगर बात करें तो मैप्सको पैराडाइज है, वाटिका गुड़गांव 21 है, वाटिका लाइफस्टाइल होम्स है, वाटिका सिटी होम्स है, MR पाम गार्डन है और न्यू गुड़गांव का जो सबसे पहला मॉल है सफायर 83, जहाँ पे INX सिनेमा हॉल है जो हाल फिलहाल में ही खुला है, वो भी सेक्टर 83 में ही है। सेक्टर 84 की बात करते हैं। सेक्टर 84 में अंतरिक्ष हाइट्स है, अल्फा गुड़गांव 1 है, द कोरल वुड है, स्पेस प्रीवी 84 है, रहेजा ट्रिनिटी है, पाइवटल दीवान है, एलएन मिराकल है और अलमेरा फ्लोर्स है।
ये लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो वाटिका गुड़गांव 21 सेक्टर 83 है, और अब एक्सट्रीम लेफ्ट में एमआर पाम गार्डन्स है सेक्टर 83 का। अब बिल्कुल मिडिल में जो प्रोजेक्ट दिख रहा है वो अंतरिक्ष हाइट्स है सेक्टर 84 का। ये प्रोजेक्ट अल्फा गुड़गांव 1 है सेक्टर 84 का, और फिर स्पेस प्रीवी 84, और फिर दी कोरल वुड जो सेक्टर 84 में, वो प्रोजेक्ट। इन सबको अगर क्लब कर दिया जाए तो 10 से 15 हज़ार फैमिलीज रहती हैं। अब ये वो पॉइंट है जहाँ से हम कुछ और थोड़े दूर जाएं और राइट टर्न लेंगे तो सीपीआर आ जाएगा, सेंट्रल पेरिफेरल रोड आ जाएगा। और अब अगर हम सीधा चले जाते हैं यहाँ से तो हम दिल्ली के डेड एंड में पहुँच जाएंगे, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे। मैं यहाँ से लेफ़्ट लेता हूँ और आपको वहाँ का थोड़ा बहुत एरिया दिखाता हूँ, और वापस फिर हम सीपीआर की तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए जाएंगे। इस रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 83 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 84 है, और अगर हम यहाँ से और थोड़ा आगे जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 82 आएगा। ये गुड़गांव G21 है, और ये अंतरिक्ष हाइट्स सेक्टर 84 है, और इसी के साथ अल्फा गुड़गांव 1 है। ये सामने कमर्शियल साइट है। अब हम वापस यहाँ से लेफ्ट लेते हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो ये ओल्ड अलाइनमेंट है उससे होते हुए सीपीआर के इंटरसेक्शन पे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन आपके कहीं ना कहीं कुछ काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। आपके कुछ सजेशन हैं, कुछ आपके क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ डाउट्स हैं तो वो ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे टैप कीजिए, सो डैट हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।